यूपीएससी के फाइनल परिणाम में आज राजस्थान के कई होनहारों ने अपना सिलेक्शन पाया है और यहां पर अपने जिलों का और प्रदेश का नाम रोशन किया है। राजस्थान की कई बेटियों ने भी आईएएस में अपना चयनित होकर के मुकाम हासिल किया है। मेरे साथ बात करने के लिए दो नव चयनित आईएएस हैं, एक है परी विश्नोई जो बीकानेर के नोखा की रहने वाली है और दूसरी है सुमन जो नागौर की रहने वाली है। इन दोनों से हम बात करेंगे, एक अजमेर में है अभी और एक अभी नागपुर में है। पहले परी आपसे बात करते हैं। परी, आपने बहुत अच्छी रैंक हासिल की है प्रदेश में, आपने टोटल जो है कुल 30वीं रैंक हासिल की है, किस तरह का श्रेय आप किसको देंगे? ये तो बहुत लंबा सफर है, तो बहुत लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया है। मेरे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फैमिली है बहुत बड़ी, तो सबका बहुत सहयोग रहा है। बट दो जने हैं जिनका सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होते तो मैं शायद ये कभी सोच भी नहीं पाती, तो वो है मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी और पापा, और बाकी सब लोगों का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। पर हम बहुत बार देखते हैं कि जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं और वो भी तैयारी करते रहे हैं यूपीएससी की, वो उनका भी चयन काफी दिनों से होता है, क्या आप भी किसी जॉब में हैं अभी? जी नहीं, पिछले ही साल मेरी एमए कंप्लीट हुई है। अच्छा। तो मैं एक साल का ब्रेक लेके और पूरा फोकस इसी एग्जाम पे करना चाहती थी, तो इसलिए फिर मैंने कोई जॉब ज्वाइन नहीं की। मैडम, आपसे वही सवाल पूछेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले परी विश्नोई से पूछा था। एक महिला होने के नाते और एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में आप जाने के लिए आसे, आपको क्या लगता है कि किस तरह के लक्ष्य हैं, किस तरह के काम हैं समाज के लिए जो आप करना चाहती हैं? तो मैं तो यही चाहूंगी कि जिस जिले से, नागौर जिले से मैं आती हूं, और अपन देखा है कि किस तरीके से वुमेन एस्पेक्ट में, वुमेन एम्पावरमेंट में कितना पिछड़ा हुआ रहा है, और उसमें से कई चीजें मैंने अपने आस पड़ोस में भी जो देखी है, तो मैं चाहूंगी कि जो वुमेन एजुकेशन है उसमें सबसे ज्यादा फोकस किया जाए, और उसी एक फील्ड को मैं चाहूंगी कि वो कहीं ना कहीं उभर के आगे आए। जयपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए रामस्वरूप लामरोड।